आज जो हमारा टॉपिक है ना वीडियो का, वो नार्सिसिज्म के ऊपर ही है कि जो नार्सिसिस्ट होता है, क्या उसे पता होता है वो नार्सिसिस्ट है या नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है, और हम सबको इसका आंसर भी पता है कि नहीं, वो नार्सिसिस्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम और हर। उनको नहीं लगता कि वो नार्सिसिस्ट है, बट उनके हिसाब से दूसरा इंसान वो नार्सिसिस्ट है, चाहे वो उनका पार्टनर हो, चाहे वो उनके सिबलिंग्स हो यानी कि भाई या बहन हो, या उनके माता पिता हो, या परिवार का कोई और सदस्य हो, उनका दोस्त, उनका कलीग, बट वो नार्सिसिस्ट नहीं है। रिसेंटली अभी हमारे एक वीडियो पे किसी ने कमेंट डाला था और काफी अच्छा कमेंट था। उसमें ये उन्होंने बोला था कि नार्सिसिज्म यानी कि नार्सिसिस्ट लेबल एक ऐसा लेबल है, अगर किसी को हम बोल देते कि वो नार्सिसिस्ट है, हम चाहकर भी उनकी अच्छी क्वालिटीज को नहीं देख पाते और हमेशा हमारा ध्यान उनकी नेगेटिव क्वालिटीज की तरफ ही जाता है। बात सही भी है, और ये केवल नार्सिसिस्ट के ऊपर तक लिमिट नहीं है। हर वो एक लेबल जहाँ पे इंसान को एक हम कैरेक्टराइज कर देते हैं, तो हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट उनके नेगेटिव साइड में ही जाता है। लेकिन इससे जो नार्सिसिस्ट इंसान है वो ठीक तो नहीं हुआ ना। अब हमें पता है कि वो नार्सिसिस्ट है, ये हमें कब पता है? जब हम वो चीजें नहीं करते जो वो करता है। या तो देखो, हम इनसिक्योरिटी में आके वो बातें बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं, वो नार्सिसिस्ट है, लेकिन रियलिटी में हम नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन हम इनसिक्योरिटी में आके ये बातें बोल रहे हैं, तो फिर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी जो मैं इस वाली वीडियो में आगे आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, आज हम थोड़ा नार्सिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को समझेंगे। अभी तक हम अपोजिट साइड वाले इंसान रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमारा पार्टनर नार्सिसिस्ट है, हम नहीं है, तो हम हमेशा हमारी नजरों से उनको देख रहे हैं। अब हम नार्सिसिस्ट की नजर से देखेंगे दुनिया को कि उनके हिसाब से दुनिया कैसी चलती है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, उनको बताएगा कौन कि वो नार्सिसिस्ट है। कोई भी इंसान पैदा होते ही नार्सिसिस्ट नहीं बनता, उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, उनका चाइल्डहुड का जो एक्सपोजर रहता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपने जाननी है कि उनकी अपब्रिंगिंग किस कंडीशन में हुई है। उनको नहीं पता कि जो कंडीशनिंग उनकी हो रही है अपब्रिंगिंग के टाइम पे, वो एक नार्सिसिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी मे बी शायद ना पता हो। अब वो बड़े हो गए हैं, अब वो नार्सिसिज्म वाली बातें उनके बिहेवियर में सेटल डाउन हो चुकी है, अब उनको नहीं पता कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो बेस्ट व्यवहार कर रहे हैं। देखो, यहाँ अच्छे और बुरे की नहीं है, यहाँ सही और गलत की है। उनके हिसाब से जैसा वो रिएक्ट करते हैं हर सिचुएशन में, वो सही है, वो जस्टिफाइड है। वाई? क्योंकि अपब्रिंगिंग उनकी वैसी हुई है। अब हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं नार्सिसिस्ट से, लेकिन वो हमारे कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल भी ईगर नहीं होते हैं हमसे बात करने के लिए। उनको नहीं करना हमारे साथ किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर मैं एक नार्सिसिस्ट हूँ, मैं किसी इंसान को परेशान रखता हूँ, अगर वो आके मुझसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे ये लगेगा कि ये मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मैं कम्युनिकेशन की सारी दीवारें एकदम खड़ी कर दूंगा प्रिवेंट करने के लिए, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा किसी के साथ भी। वहाँ एक और हमारी प्रॉब्लम आ गई है। दूसरी बात यह रह जाती है कि जब हम नार्सिसिस्ट को ब्लेम करते हैं, यानी कि अगर मुझे कोई ब्लेम कर रहा है कि भाई नहीं तुमने ये सारी चीज़ें करी, यू आर अ नार्सिसिस्ट, तो मैं कभी भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सब गलत है जो आप कर रहे हो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन एक बात है, मुझे एक ऑडियंस चाहिए ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि मैं सही हूं। ये एक लौता ऐसा पॉइंट है जहां पर हम नार्सिसिस्ट लोगों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऑडियंस की नीड नहीं होती है। जब डीप डाउन हमें पता होता है कि हम सही हैं, यही चीज़ करेक्ट है, यही चीज़ पॉजिटिव है, तो हमें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। लेकिन अगर मैं एक नार्सिसिस्ट हूँ, मुझे चाहे एक बंदा सही, मुझे एक की तो ऑडियंस चाहिए जहां मैं बता सकूं कि मैं सही हूं, ताकि मुझे वहां से वैलिडेशन मिल सके और उस वैलिडेशन से मैं खुश हो सकूं। तो अगर मैं एक नार्सिसिस्ट हूं, मैं अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। अब मेरा पार्टनर जो है, उसे पता है कि मैं एक नार्सिसिस्ट इंसान हूं, तब भी वो मेरे साथ है, तो इसका मतलब उनमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इतना कंपैशन, प्यार, वो सब है कि वो कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भी रिलेशन है वो बेटर हो जाए और मेरा जो टॉक्सिक बिहेवियर है वो उनको परेशान करना बंद कर दे। ये कैसे होगा पता है? ये एक ही तरीके से होगा, वो है पेशेंस के थ्रू। कोई और सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि
नार्सिसिज्म की जो प्रॉब्लम होती है ये बढ़ के एनपीडी बन जाती है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एनपीडी ट्रीटेबल नहीं होती, ये केवल मैनेजेबल होती है। अब मैं एक नार्सिसिस्ट इंसान हूँ तो मेरे साथ मेरा पार्टनर या मेरे बाकी जो मेंबर्स हैं मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, वो सिर्फ मुझे मैनेज कर सकते हैं, मुझे ठीक नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जो आपका बिहेवियर मेरे आगे हो रहा है वो मैनेजेबल है, और वो मुझे फील होगा। जब वो मुझे फील होगा कि आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं, मेरे साथ खुश नहीं है, जो मुझे हो सकता है बहुत दिनों के बाद फील हो या बहुत जल्दी फील हो, तो हो सकता है मेरे बिहेवियर में हल्का हल्का चेंज आना शुरू हो, हल्का हल्का पॉसिबिलिटी है। बट अगर वहां से आप मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो, मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरा ये नार्सिसिज्म प्रचंड रूप ले लेगा और ये बढ़ता रहेगा। तो आप मुझे ठीक नहीं कर सकते, इसका मतलब आप एक नार्सिसिस्ट को ठीक नहीं कर सकते। नार्सिसिस्ट खुद अपने आप को ठीक कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब उसके अपोजिट में जो बिहेवियर है वो वैसा है जहाँ उसको करेक्ट नहीं किया जा रहा लेकिन उसके साथ को एग्जिस्ट किया जा रहा है और विदाउट एनी कंप्लेंट्स। बट डिस्टेंस आपने बनाना शुरू कर दिया मेरे साथ, उस डिस्टेंस की वजह से मुझे इरिटेशन हो रही है, जहाँ पर आई एम फोर्स टू चेंज माई सेल्फ। फोर्स ही सही, बट धीरे धीरे मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। मुझे पता है काफी सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे, काफी सारे लोग बात से एग्री नहीं भी करेंगे। बहुत मुश्किल है किसी भी एक एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट के साथ सर्वाइव करना, बट अगर हम उस रिलेशन को सच में पसंद करते हैं, हम उसको आगे ग्रो करवाना चाहते हैं, और उस इंसान को हम रियलिटी में जानते हैं कि अपार्ट फ्रॉम नार्सिसिज्म इनकी बाकी सारी क्वालिटीज बहुत गोल्डन है, बहुत अच्छी है, तो थोड़े तो देखो एफर्ट्स हमने करने पड़ेंगे, थोड़ा सा हार्डशिप हमें भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो आज की वीडियो थी वो इसी पॉइंट के ऊपर थी कि अगर एक नार्सिसिस्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो सच में नार्सिसिस्ट है या नहीं। तो इसका आंसर हमेशा नहीं आएगा कि उसके अकॉर्डिंग वो नार्सिसिस्ट नहीं है, आप नार्सिसिस्ट हैं। ऑलराइट, तो बस हम एक ही तरीके से उनको ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट मतलब कि क्योर, या फिर मैनेज कर सकते हैं, जो कि अगेन जो होगा मैनेज करना, ओवरकम करना नहीं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको सही लगी होगी। बाकी अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक, अपनी एडवाइस आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।